बारिश के मौसम में चाय के साथ पकौड़े किसे नहीं अच्छे लगते, और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, जल्दी बन जाती है। चलिए फिर आज हम बनाते हैं भाजी वड़ा। दोस्तों, इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 कप भीगी हुई चने की दाल ली है। इसे मैंने 4 से 5 घंटे भिगो लिया था। अब हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लेंगे और इसमें बिना पानी डाले मैं इसे पीस लूँगी। इसे हमें दरदरा ही पीसना है। अब मैंने यहाँ पे लाल भाजी जो मार्केट में अवेलेबल होती है उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के काट लिया है। उसको मैं 2 कप ले रही हूँ। एक बाउल में हम लेंगे और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको भी बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च 3 से 4 ली है। आप कम ज़्यादा भी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाएगी। अब हम इसमें सॉल्ट अपने केस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच डाला है। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे 1/2 चम्मच, और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी डाला है, और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा का पाउडर भी डाला है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल जो हमने पीस के रखी हुई थी, अब हम उसको इसमें धीरे धीरे डालेंगे। पहले मैं इसमें 1/2 ही डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करूँगी, कहीं हमारी दाल ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए, क्योंकि इसमें भाजी और प्याज ज़्यादा रहना चाहिए, दाल का पोर्शन कम रहना चाहिए। अब मैं इस पर जो हमारी बची हुई दाल थी वो भी डाल लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पैन गैस में चढ़ा लिया है और उसमें तेल भी डाल के गर्म कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बना लेंगे। जो हमारा बैटर है उसको तेल गर्म है, अब हम इसको इस तरीके से हमने चपटा बनाया है। अब हम एक एक करके इसमें डालेंगे और तलते जाएंगे। अभी मैं इसे ज़्यादा फ्लैट नहीं कर रही हूँ और मैं इसे तेज आंच पर ही पकाऊंगी। एक साइड से ये हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसे पलट दूंगी। दोनों साइड से मैं इसे तेज आंच में ही तलूंगी। देखिए, अब हमारे ये दोनों साइड से सिक चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लूँगी। होटल में जो भाजी वड़ा है जिस तरीके से बनाते हैं, मैं आपको दोनों विधि बताऊँगी। इसे क्रिस्प करने के लिए अब हम इसे एक प्लेट की सहायता से इस प्रकार से, देखिए, मैं इसे चपटा करूंगी, दबाऊंगी, इसे प्रेस करूंगी। इसी प्रकार से हम अपने सभी जो हमने तल के रखे हैं वड़े उसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। एक्चुअली होटल्स में जो रहता है मार्केट में वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं, इसके लिए मैं आपको दोनों विधि बता रही हूँ। अब हम इसे फिर से फ्राई करेंगे। ऐसा करने से ये काफ़ी क्रिस्पी, अंदर से भी ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। कभी कभी तो हम ऐसा खा ही सकते हैं, मानसून का सीज़न है तो। अगर आपको 2 बार नहीं तलना है तो आप 1 बार भी तल सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी आगे। देखिए, अब मैं मेरे पास जो रखा हुआ बैटर था उसका मैं इस तरीके से इसे बना लूँगी, दोनों साइड से प्रेस करते हुए। इसे मैं थोड़ा चपटा बना रही हूँ क्योंकि मैं इसे अब 1 ही बार तलूँगी। इस प्रकार से हम शेप इसका देते जाएंगे। ये हमारे जो पहले हमने जो फ्लैट किए थे बड़े, वो दोनों साइड से सिक कर अब रेडी हो चुके हैं। मैंने इसे अब प्लेट में निकाल लेना है। काफ़ी क्रिस्पी है ये, अंदर से भी और ऊपर से भी। अब जो हमने और हमारे जो वड़े बना के रखे हुए थे उसे भी हम डाल कर सेक लेंगे तेल में। याद रखिए, जब मैं
जिसे हमें एक बार ही तलना है उसे मैं अभी तेज आंच पर ही तलूंगी। फिर बाद में इसे जब मैं हम पलटाएंगे तब गैस की जो फ्लेम है उसे हम स्लो कर देंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे, दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए। ये हमारे अब सिक चुके हैं दोनों साइड से, तो मैंने इन्हें प्लेट पर निकाल लिया है। ये देखिए ये ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये देखिए दोनों प्रकार के वड़े हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। ये देखिए ये काफ़ी क्रिस्पी है और ये अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से काफ़ी क्रंची है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा आपको पसंद है आप बना सकते हैं। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब हम जैसा आपको पसंद है गर्मा गर्म चाय और टमाटर केचप के साथ अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस बारिश में आप भी ये रेसिपी बनाएं और इन्जॉय करिए और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।